वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी टी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए रज असाइनमेंट में इंग्लिश का पहला पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो हिंदी मीडियम में इस तरह का सॉल्यूशन देने वाला एकमात्र हमारा चैनल है। इसके अलावा आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। और मैं सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मगर मैं वो कब करूँगा, जब आप मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन करेंगे, मैक्सिमम व्यूज बढ़ेंगे, ओनली देन आई कैन डू इट। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। सो स्टे ट्यून एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा सेक्शन ए हम शुरू कर रहे हैं, दिस इज पेपर वन और सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें जो पहला प्रश्न आता है, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना होता है कि ये जो विधान दिया गया है ये सही है या गलत। तो ये आप कब कर सकते हो, जब आपने किताब पढ़ी हो। मगर जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको बहुत मस्त नींद आती है। किताब आपके लिए क्या है, नींद की दवा है, बराबर। तो किताब पढ़िएगा तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकोगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला सेक्शन ए। पहला प्रश्न है, पहला सेंटेंस हमारा, हेलन केलर कैन नॉट रीड वेरियस मैगजीन्स हरसेल्फ। हेलन केलर अलग अलग मैगजीन्स नहीं पढ़ सकती थी, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हेलन केलर बहुत सी मैगजीन्स पढ़ मंगाती थी एंड सी कैन रीड इट। द बिहेवियर शोइंग द एडेप्टनेस ऑफ एंट्स हैज बीन नोटिस्ड एंड स्टडीड बाय नन। यानी जो चींटियों का व्यवहार में, बिहेवियर एंड व्यवहार में जो चतुराई हमको देखने को मिलती है, इसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया, स्टडी नहीं किया, तो ये गलत है। ये जो चींटियों का जो व्यवहार है, इसको बहुत से लोगों ने स्टडी किया है, तो ये नंस आने के कारण गलत हो गया। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है, द राइटर फेल्ट बर्डन आफ्टर लिविंग द डॉक्टर एट हिज होम। यानी जब राइटर ने, लेखक ने, गुलजार वाली जो कहानी थी एडजस्टमेंट, उसमें से ये स्टेटमेंट लिया गया यूनिट फोर में से, कि जब उन्होंने डॉक्टर को जब घर पे छोड़ा तो डॉक्टर ने कहा कि आपके जो नाना है उनकी जो, उनको डिसएसोसिएटिव ऑर्डर है, लेकिन इस उम्र में उनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन इससे कोई गंभीर समस्या नहीं होने वाली। तो जब ये कहा तो लेखक को काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहे कि बर्डन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। समटाइम वन हैज टू मेक रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन द करेंट सर्कमस्टांसिस। सर्कमस्टांसिस का मतलब होता है कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति। रैशनल यानी तार्किक। कई बार व्यक्ति को अपने वर्तमान परिस्थितियों के आधार पे लॉजिकल निर्णय लेने होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सच है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसमें आपको जो आपको शब्द दिया उसका करीबी शब्द लिखना है। तो कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, बराबर। तो कंक्लूड का मतलब होता है पूरा करना, और हाइड यानी होता है छिपाना। तो ये है हमारा ट्रू आंसर। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। मैं अर्थ लिखते जा रहा हूं ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। ओके, इलिमिनेट। तो इलिमिनेट का मतलब होता है नष्ट कर देना, हटा देना, दूर कर देना। तो इसका हो जाएगा ये रिमूव। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। डोमिनेट यानी प्रभुत्व जमाना। एक्सप्लेन यानी समझाना। कैलकुलेट तो जानते हो, डोमिनेट यानी किसी भी चीज पर डोमिनेट करना यानी प्रभुत्व जमाना, एक्सप्लेन यानी समझाना। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट यानी किसी भी चीज की प्रशंसा करना। तो इसके सिनोनिम होंगे एडमायर, प्रेज, ये होंगे। डिक्टेट का मतलब होता है बोल बोल कर लिखाना। सफोकेट यानी घुटन होना। प्रेज यानी प्रशंसा करना। काउंसलिंग तो आप जानते हो, जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट वगैरह से आप मिलते हो, दैट इज वन टाइप ऑफ काउंसलिंग। ओके, तो आप ये शब्द के अर्थ तो जानिए ही, साथ में जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं वो भी आप लिखते जाइए, तो आपकी अंग्रेजी काफी अच्छी हो जाएगी। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन है, तो हम एक एक करके देखते हैं। वी यूज टू प्ले आउटडोर गेम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ मोबाइल फोन्स। हम मोबाइल फोन के साथ खेलने के बदले आउटडोर गेम्स खेला करते थे। तो देखिए, जब भी यूज टू आता है तो ये क्या दिखाता है, भूतकाल की हैबिट दिखाता है। तो ये क्या आ जाएगा इसका, ये एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। ओके, द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू बाय द सेम टॉय एज वॉज डिस्प्लेड इन द शॉप।
बच्चा वही खिलौना खरीदना चाहता था जो शॉप में दुकान में डिस्प्ले किया गया था। यहाँ अपने किसी की बात करें किसी और के संदर्भ में, इसमें ये आता है टॉकिंग अबाउट पीपल इन रिलेशन टू समथिंग, बराबर। अब ये शुड आया है, शुड होता है एडवाइस देने के लिए, तो ये वाला आ जाएगा एडवाइस वाला, बराबर। शुड आए तो यानी अपने आपको ऐसा करना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अगले व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हैं, ओके। ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसके ऊपर मैंने इसी चैनल पे एक बहुत बड़ा सा वीडियो बहुत डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको उसको देखना चाहिए। हाउ वॉज, अब इसमें आपको एप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स है वो सिलेक्ट करना है। हाउ वॉज रोशनी ड्रामा यस्टरडे, कल रोशनी का ड्रामा कैसा था। तो देखो जब भी सपोजिशन आए तो उसमें एज इफ का यूज होता है। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, बराबर। एज इफ के बाद आता है सर्वनाम और उसके बाद आता है वेयर, इसको चीज को आप याद रखिएगा। तो ये वाला हमारा सेंटेंस आ गया, सी एक्टेड एज इफ सी वर अ रियल एक्ट्रेस, उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे कि वो वास्तविक एक्टर एक्ट्रेस हो। मैनेजर, व्हाई डिडंट यू अटेंड द लास्ट मीटिंग, तुमने लास्ट मीटिंग क्यों अटेंड नहीं की। सॉरी आई फॉरगॉट, ये देखिए ये यहाँ रीजन नहीं आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा ये सिंस वाला वाक्य। सिंस वर्ड जो है ये रीजन को दिखाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी सही होगा। श्याम व्हाई डिड वांट टू गो टू कैनेडा सोइंग पर्पज, पर्पज वाला जो सेंटेंस होता है उसमें विथ ए व्यू टू आता है, इन ऑर्डर टू, ये सब उसमें आते हैं। अब विथ ए व्यू टू के बाद क्रिया का आईएनजी वाला रूप आता है, इसको खास याद रखिएगा। तो देखिए जैसे ये वाला सेंटेंस आया विथ ए व्यू टू, बराबर, और ये इन ऑर्डर टू। अब आप कंफ्यूज हो जाए कि यार ये तो हम फंस रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए इसमें विथ ए व्यू टू के बाद गेट के बदले गेटिंग आना चाहिए था, क्रिया का आईएनजी वाला रूप आता है विथ ए व्यू टू के बाद, जबकि इसमें नहीं आया, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं है, आपका ये ऑप्शन है, ओके। 14 नंबर का है, ओ आई एम वेरी मच बोर्ड टूडे एक्सप्रेसिंग चॉइस, तो जब भी चॉइस की बात आए तो उसमें इधर और नीदर नॉर और रादर देन का उपयोग होता है, इसको दिमाग में रखिएगा, बराबर। तो आपका मैं ये जो बता रहा हूं आप इसको दिमाग में रख लोगे तो आपके लिए ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कहीं पे आ रहा है इधर और, तो देखिए ये वाला आएगा यू वुड रादर वॉच द कपिल शर्मा शो, बराबर। अब आगे हम देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड और फ्रेजिस एज देयर आंसर्स। तो ये आपको ऑप्शन दिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, मगर आप क्वेश्चन कब बना सकते हो जब आपको इस सेंटेंस का मीनिंग मालूम हो। अतुल भाई अ ग्रेट बिजनेसमैन वाज द चीफ गेस्ट ऑफ आवर फंक्शन, अतुल भाई जो एक महान बिजनेसमैन है वो हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट थे। तो प्रश्न होगा आप फंक्शन के चीफ गेस्ट कौन थे, यानी जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते तो हु से प्रश्न बनेगा। तो देखिए एक तो ये है और एक ये है, अब देखिए सही कौन सा है। ये बोल रहा है हु वाज अतुल भाई, नहीं, क्या होगा आपका सही ऑप्शन, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, दिस इज द ट्रू आंसर। चीफ गेस्ट का सॉरी फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन था। नेक्स्ट इज अरुणिमा अचीवमेंट वाज हर क्लाइंबिंग एवरेस्ट विथ एन आर्टिफिशियल लेग, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। अरुणिमा की उपलब्धि थी कि उसने कृत्रिम पैरों के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो अपना प्रश्न ये होगा कि अरुणिमा की उपलब्धि क्या थी, व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ अरुणिमा। देखिए यहाँ पे वॉज से प्रश्न आया है, वॉज से बहुत सेंटेंस आया, तो आपका प्रश्न भी वॉज से बनेगा। आपको जैसे ये भी वॉज से बन रहा है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ ये इसमें क्या है, इसमें ये वॉज यहाँ आना चाहिए। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, वो कर्ता से ठीक पहले आती है। इसमें नहीं आया, यानी ये सेंटेंस गलत है। ये डिड वाला आया या नहीं, ये भी नहीं आना चाहिए।
क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अगला प्रश्न है आपका, राजीव मेड द प्रिंसिपल टू गेट एडमिशन। राजीव एडमिशन लेने के लिए प्रिंसिपल से मिला, तो हम पूछेंगे राजीव एडमिशन लेने के लिए किससे मिला, बराबर किससे? तो उसके लिए ऐसे में वह प्रश्न बनता है हमारा हुम से, तो हुम वाला हमारा कौन सा? ये है, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारी तो ये चीजें और आसान हो गई, बराबर। हुम डिड राजीव मीट टू गेट एडमिशन। अब देखिए मेट आया ने सिंपल पास्ट टेंस से, तो सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का उपयोग करना होगा। ओके नेक्स्ट है, गांधीनगर इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद। गांधीनगर अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर है, तो अपना प्रश्न होगा गांधीनगर अहमदाबाद से कितना दूर है, कितना दूर के रहता है, हाउ फार, हाउ फार यानी कितना दूर, याद रखिएगा। तो हाउ फार वाला कोई दिख रहा है आपको? चलो एक ही, आपकी तकलीफ और आसान हो गई, तो यहां पे आपको ज्यादा सोचने का मौका मिलता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा सेक्शन ए पूरा हुआ है, बाकी के सभी सेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।